सर, मुझे 1 महीना हो गया आपके पास काम करते हुए। आपको मेरा काम कैसा लगा? नहीं, काम तो आपका सही है और हमेशा सीखने की गुंजाइश रहती है। माशाल्लाह से 1 महीना मुकम्मल हो गया और यकीनन आपको हमारे ऑफिस का माहौल भी अच्छा लगा होगा। जी सर, मुझे आपके ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा लगा और आपकी आदत भी बहुत अच्छी लगी, और आपका जो बकाया स्टाफ है उनकी आदत भी बहुत अच्छी है। एक फैमिली सिस्टम। ये फैमिली सिस्टम इसलिए बनता है कि हम सब मेहनत करते हैं, परदेश में मेहनत के लिए आए हुए। जी सर, और सीखने की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो काम तो आपका अच्छा है, मगर आप कोशिश करें कि इसमें मजीद इम्प्रूव होगी इंशाल्लाह। सर, काम तो हो गया, मगर मेरी मामा आपका शुक्रिया अदा करना चाहती है यहाँ आप उनसे बात कर। हेलो हेलो मामा, ये आप बोस से बात कर लें, आप बोल रही थी ना शुक्रिया के लिए। हाँ हाँ, करवा दो बात मेरी। हेलो जी, वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बेटे को जॉब पे रखा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये काम तो सही कर रहा है ना? नहीं नहीं माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने इसकी तरबियत बहुत अच्छी की है। जी जी, अल्लाह ताला तुम्हें भी बहुत सारी खुशियों से नवाजे। बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। थैंक यू बॉस, आप अपना काम कीजिए। सर, आज मुझे सैलरी मिलेगी ना? जी सर, इसे सैलरी देना, फिर पार्टी ले। आदि, आज सैलरी नहीं मिल सकती। देखो, कंपनी के हालात ठीक नहीं है। सैलरी तुम्हारी बनती तो है आज, कंपनी के अकाउंट्स में पैसे नहीं है, कुछ कंपनी के हालात ठीक नहीं है। तो जैसे ही पैसे आएंगे आपको मिल जाएंगे, आप काम करेंगे। ओके सर। आदि, ये तुम्हारी सैलरी। मगर सर, आपने तो बोला था कि कंपनी के हालात ठीक नहीं है, सैलरी कुछ टाइम बाद मिलेगी, फिर ये? देखो, हम लोग यहाँ पे मेहनत करने आए हैं और हम लोगों का मकसद यहाँ पे अपनी इकोनॉमिकल नीड्स को पूरा करना है। तो तुम्हारे दोस्त कह रहे थे कि तुम्हें सैलरी मिलेगी तो पार्टी लेंगे, तो अगर ये पैसे तुम उन पे लगा देते तो अपने घर वालों को क्या भेजते? यहाँ पे हमारे आने का अव्वल मकसद अपने घर वालों की कफालत होना चाहिए। अगर कोई और पैसे बचते हैं तो बेशक इस तरह की पार्टियां वगैरह हो जाएं, मगर मैं ये समझता हूँ तुम्हारी पहली सैलरी है और ये पूरी सैलरी तुम्हें तुम्हें तुम्हारी मम्मी को भेजना। थैंक यू सर। हेलो, अभी मुझे सैलरी मिल गई है, मैं आपको अभी पैसे भेजता हूँ। आप अपने लिए कपड़े भी लेके आओ, खाने की चीजें भी लेके आओ, सब कुछ करो, ठीक है? परदेश काटना आसान नहीं, ये एक जंग है, और इस जंग में वो कामयाब होता है जो अपने टाइम और पैसों को जाया ना करे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलना, और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलना, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें कि आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। हमारे यहाँ पे पूरी टीम है और हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट अपने व्यूअर्स के लिए दें। थैंक यू।